नमस्कार साथियों, आज जो हम आपको ये ट्रे दिखा रहे हैं, इस ये आपने अनुमान तो लगा ही लिया होगा, कुछ ना कुछ तो मैंने इसमें लगाना ही है। आपसे हम जो दिखाने जा रहे हैं, इससे पहले मैं दिखाने जा रहा हूँ ये आम का पौधा है। ये देखिए, ये छोटा सा पौधा हमारे घर के सामने ही था, मैंने वहाँ से हटाकर, ये वहाँ पर वैसे तो नष्ट हो ही जाता क्योंकि रास्ते में था, और मैंने इसमें गमले में ऐसे ट्रांस कर लिया है, और जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा मैं इसको खेत में ले जाऊँगा, अपने गार्डन में ले जाऊँगा। और जो ये ट्रे मैंने तैयार की है, ये देखिए, ये बीज है अमरूद के, गहुआ इसे बोल देते हैं, ये अमरूद के बीज हैं और पहले ही दवाई से ट्रीटमेंट हो कंपनी कर रखे हैं, और अब मैं इनको इस ट्रे में लगाने जा रहा हूँ। देखते हैं कितने समय इनको जर्मिनेशन में लगेगा, कितने समय में अंकुरित होगा। मैंने इसमें आपको इसमें ये इसकी जानकारी अभी नहीं दी है, इसके अंदर मैंने क्या क्या मटेरियल लिया। अब की बार मैंने इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं ली है, जो मैं सेवों का खाद तैयार करता हूँ वर्मी कंपोस्ट, वही मैंने इसके अंदर लिया है। देखते हैं अब की बार ये कितना इसे हम सक्सेस हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं, और अब हम इसमें ये बीज लगाने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं इसमें छोटे छोटे होल ऐसे बना लेता हूँ, ताकि मैं इसमें आसानी से एक एक बीज को टिका देता हूँ, और इस होल को बाद में मैं बंद कर देता हूँ। बड़े आराम से आपको दिखलाता हूँ। देखिए, मैंने बीज उस थैली से निकाल कर यहाँ पर रख लिया है, क्योंकि मेरे एक हाथ में कैमरा होता है, और एक एक या दो दो बीज को मैं ऐसे लेकर हाथ में और इसके अंदर डालकर, ये मैंने बीज इसके अंदर बिठा दिए हैं। दो बीज इसके अंदर आपने दिखाई दे रहे हो, क्योंकि जो इनके ऊपर जो दवाई का ट्रीटमेंट हो चुका है पहले कंपनी के द्वारा, वो बॉडी शाइनिंग इसमें नज़र आ रही है, आपको दोनों बीज अच्छी प्रकार से दिखाई दे रहे होंगे। अब मैं इसको ऐसे ही बस हल्का सा इसको ढक देता हूँ, उसके बाद मैं सिर्फ इतना कार्य करने वाला हूँ, इसमें हल्का सा पानी लगाना है। अब उसके बाद हम देखेंगे कि ये कब तक हमारे पौधे इससे अंकुरित होकर बाहर निकलेंगे। ऐसे में हर उसमें दो दो बीज या एक 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 दाना या दो दाने मैं इसमें टिका देता हूँ, और इसके बाद में हम जो रिजल्ट हमें मिलने वाला है, हम आप जानते ही हैं, जो हमें हमेशा फॉलो करते हैं, हमारी वीडियो देखते हैं, वे हमें अच्छी प्रकार से जानते हैं कि हम अपनी हर वीडियो के माध्यम से हर बात को शेयर करते हैं। जैसे ही इसमें कामयाबी मिलती है, उसी प्रकार हम दोबारा से वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने फिर पेश होंगे। हम तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।